तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 रुपए के 10 सबसे कीमती आम चलन में जारी किए गए सिक्कों के बारे में। और इन सिक्कों में कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जिनकी कीमत आज के समय में 40,000 रुपए तक भी पहुंच गई है। तो इन कीमती सिक्कों की पहचान करने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इंडियन कॉइन मिल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको मिलती है नोट और सिक्कों से जुड़ी 100% सच्ची जानकारी प्रूफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं 2 रुपए के सबसे कीमती सिक्कों के बारे में। 2 रुपए के सिक्के हमारे देश में काफी पुराने समय से चलाए जा रहे हैं। दोस्तों रिपब्लिक इंडिया में 2 रुपए के सबसे पहले सिक्के 1982 में जारी किए गए थे और ये थे कमोमेरेटिव क्वाइन, जिनको राष्ट्रीय एकता वाले सिक्कों के नाम से जाना जाता है। और कुछ समय पहले ही हमारे देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 रुपए के नए डिजाइन वाले सिक्के जारी किए गए हैं, जिन पर लिखा होता है आजादी का अमृत महोत्सव। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कॉमन और कमेमोरेटिव दोनों प्रकार के कीमती सिक्कों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपको कीमती सिक्कों की पहचान करनी है तो इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा सिक्का किस मिंट में बना है और उसकी क्या पहचान होती है। अगर आपका सिक्का बॉम्बे मिंट में बना होगा तो इस पर बना होगा ऐसा एक डायमंड मिंट मार्क, और अगर आपका सिक्का हैदराबाद मिंट में बना होगा तो इस पर बना होगा ऐसा स्टार मिंट मार्क। नोएडा मिंट में बने सिक्के की पहचान है ऐसा डॉट का मार्क। इसके अलावा अगर आपका सिक्का कलकत्ता की मिंट से बना होगा तो इस पर आपको कोई भी मिंट मार्क बना हुआ नहीं दिखाई देता। तो आपने जान लिया कि मिंट मार्क की पहचान आप किस तरह से करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं 2 रुपए के कौन कौन से वो सिक्के हैं जो सबसे ज्यादा कीमती हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी और आपके फायदे की वीडियोस हम इस चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला 2 रुपए का कीमती सिक्का है 2021 का आजादी का अमृत महोत्सव वाला कॉइन। अगर आपके पास हो ऐसा कोई हैदराबाद मिंट वाला सिक्का तो आज के समय में जेन्युइनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू मार्केट में 300 रुपए तक जाती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वाला सिक्का भी 200 रुपए तक की वैल्यू रखता है। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है 1995 में जारी हुआ 8वां तमिल सम्मेलन संत त्रिवल्लुवर जी वाला ये सिक्का। इस सिक्के को बनाने में कॉपर निकल की मिश्र धातु का प्रयोग किया गया था और इसका वजन 6 ग्राम था, और इस सिक्के को बॉम्बे मिंट में ही बनाया गया है। और इस सिक्के की वर्तमान मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये सिक्का आज के समय में यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए तक की वैल्यू रखता है। अगर आपका सिक्का वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी होगा तो इसकी वैल्यू 200 रुपए से 300 रुपए तक इस समय मार्केट में चल रही है। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है 1995 में जारी किया गया एग्री एक्सपो वाला 2 रुपए का सिक्का। इस सिक्के पर आप भारतीय कृषि का विश्वव्यापीकरण और अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर लिखा हुआ देख सकते हैं, साथ ही एग्री एक्सपो 95 आप इस पर लिखा हुआ देख पाएंगे। इस सिक्के को बनाने में कॉपर निकल का प्रयोग किया गया था। सिक्के का वजन था 6 ग्राम और इसे बॉम्बे और कलकत्ता की मिंटों में बनाया गया था। और इन सिक्कों की वर्तमान समय में यूएनसी कंडीशन में वैल्यू है 700 रुपए तक। अगर आपका सिक्का वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी होगा तो इसकी वैल्यू 200 रुपए से 300 रुपए तक इस समय मार्केट में चल रही है। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है छत्रपति शिवाजी वाला ये सिक्का। इस सिक्के को बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद और नोएडा की मिंटों में बनाया गया था। सिक्के में कॉपर और निकल का प्रयोग हुआ है और सिक्के का वजन है 6 ग्राम। और इन सिक्कों में सबसे कीमती जो सिक्का है वो है हैदराबाद मिंट वाला सिक्का। अगर आपके पास जेम यूएनसी कंडीशन में ऐसा कोई सिक्का मौजूद हो तो इसकी जो वैल्यू है वो 1500 रुपए तक जा सकती है। वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का 200 रुपए से 500 रुपए तक की वैल्यू रखता है। सिक्के की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू आपको बताई है वो एक अनुमानित वैल्यू है, यानी इनमें उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है
दो रूपए का कॉमन सर्कुलेशन में जारी किया गया 2004 वाला ये सिक्का। ये सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंटों से जारी किया गया था, पर इनमें जो सबसे रेयर सिक्का है वो है कलकत्ता मिंट वाला ऐसा सिक्का। तो वर्तमान समय में ऐसे UNC कंडीशन वाले सिक्के की कीमत के बारे में बात करें तो ये 500 रुपए तक जा सकती है, और वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का 100 रुपए से 200 रुपए तक की वैल्यू रखता है। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है 1992 में जारी किया गया सिक्का। इस सिक्के को भी कॉपर और निकल से बनाया गया है और इसका जो वजन है वो है 6 ग्राम। इन सिक्कों की मिंटिंग बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के साथ नोएडा मिंट में की गई थी, और इन सिक्कों में जो सबसे रेयर सिक्के हैं वो हैं नोएडा मिंट के। इन सिक्कों की मात्रा काफी सीमित है और इसी वजह से इनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा है। UNC कंडीशन में ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट वैल्यू के बारे में बात करें तो ये जा सकती है 2000 रुपए तक, और वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वाले ऐसे सिक्के 800 रुपए से 1200 रुपए तक की वैल्यू रखते हैं। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है 2008 का ऐसा सिक्का। नॉर्मली ऐसे सिक्के रेयर नहीं माने जाते, पर जो सिक्का स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो है एक म्यूल कॉइन। म्यूल कॉइन ऐसे सिक्के होते हैं जिनमें किसी दूसरे सिक्के की डाई को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जिस सिक्के की डाई इस्तेमाल हुई है वो है 10 रुपए के इस सिक्के की, और इस सिक्के की वर्तमान समय में UNC कंडीशन में वैल्यू के बारे में बात करें तो ये जा सकती है 2500 रुपए तक, और वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वाला सिक्का भी आज के समय में 1000 से 1500 रुपए तक की वैल्यू रखता है। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है 2 रुपए का 2007 में जारी किया गया इंडियन एयरफोर्स वाला ये सिक्का। सिक्के को बनाने में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। सिक्के का वजन है 5.82 ग्राम और सिक्के की मिंटिंग की गई है कलकत्ता की मिंट में। इस सिक्के की वर्तमान मार्केट वैल्यू के बारे में बात करें तो UNC कंडीशन में ऐसा सिक्का 2500 रुपए तक की वैल्यू रखता है। वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वाला ऐसा सिक्का 1000 से 1500 रुपए तक की वैल्यू रखता है। इसके बाद हमारा अगला कीमती सिक्का है 2 रुपए का सुभाष चंद्र बोस जी वाला सिक्का। ये सिक्का 1997 और 1996 दो वर्षों में जारी किया गया था, जिसमें 1996 वाला जो सिक्का है वो काफी ज्यादा रेयर माना जाता है और इसकी जो मिंटिंग हुई है वो काफी कम है। और ऐसा अगर आपके पास जेम UNC कंडीशन वाला कोई सिक्का निकल आता है तो इसकी वर्तमान समय में जो मार्केट वैल्यू है वो 12000 रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका सिक्का वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी होगा तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 3000 से 4000 रुपए तक जा सकती है। तो बात करते हैं 2 रुपए के आज के समय में कॉमन सर्कुलेशन में जारी किए गए सबसे कीमती सिक्के के बारे में। तो ये है 1998 में जारी किया गया देशबंधु चितरंजन दास जी वाला सिक्का। ये सिक्का हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा की मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें हैदराबाद मिंट वाला सिक्का सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। और इस तरह का UNC कंडीशन वाला सिक्का वर्तमान समय में 40000 रुपए तक की वैल्यू रखता है। इसके अलावा अगर आपका सिक्का वेरीफाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी होगा, इसकी वैल्यू 25000 से 30000 रुपए तक जा सकती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 2 रुपए के सबसे कीमती कॉमन सर्कुलेशन में जारी किए गए सिक्कों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और पुराने सिक्के और नोटों की कंप्लीट प्राइस लिस्ट चेक करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com को।